हेलो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चंस हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चंस है 52 क्वेश्चन भारत के उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि बनाच्छादित होनी चाहिए, जो हमारे संविधान में सिफारिश की गई है। तो वह इसका आंसर होगा सी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? तो अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा आपको डी, राजस्थान, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की क्षमता सर्वाधिक है? तो उसका आंसर होगा तारापुर, ठीक है। इसका आंसर होगा तारापुर, ये हो जाएगा तारापुर। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो अभी मैंने बताया था, एक बार फिर क्वेश्चन दे दिया है, सर्वाधिक जनसंख्या है वो है जो गोंड, ये दूसरी बार क्वेश्चन आया है गोंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टोडा जनजाति मुक्ता कहाँ की निवास करती है? टोडा जनजाति मुक्ता तमिलनाडु की है, जनजाति मुक्ता तमिलनाडु की जनजाति है टोडा जनजाति, ठीक है। अब इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा झांसी, ठीक है। इसका होगा झांसी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? बृहत्तम बंदरगाह होगा मुंबई, ठीक है। फिर 59 क्वेश्चन, हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो इसके बाद सबको पता है कि सबसे ज़्यादा बोली भाषा कौन सी है, वो है बंगाली, बंगाली की सबसे ज़्यादा संख्या है इंडिया में बोलने वाली, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो सबको पता, बहुत ईजी क्वेश्चन से ये होगा केरला, केरला में सर्वाधिक संघनता इसमें है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फिर आ गया 62 में पहुँचेंगे, 61, ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा है कि चार्वाक दार्शनिक प्रणाली क्या है, यानी चार्वाक फिलोसफिकल सिस्टम क्या है, क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा लोकायत प्रणाली भी कहलाती है, मैंने लोकायत प्रणाली लोकायुक्त या लोकायत सिस्टम को भी बोल सकते हैं चार्वाक दार्शनिक प्रणाली, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कलानुसार या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में समझाइए। इसको क्या सातवाहन पहले आए कि बाका, कटक आया, चालुक्य आए? तो इसका अगर हम बात करते हैं, तो आपको मैंने एक वीडियो भी डाला था इसके लेकर, विभिन्न प्रकार के वंशज के लेकर, और उनके ट्रिक भी बना के भेजा था। तो इसके अनुसार इसका जो आंसर आपको पता ही होगा, देखते हैं आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा डी, यानी सबसे पहले जो आए थे वो तो चालुक्य सातवाहन आए थे, उसके बाद ये बागटायक आए थे, आज फिर तब फिर चालुक्य आए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के, मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक का शिलालेख पाया गया था, तो बताइए कौन सा उस शिलालेख का नाम क्या है? शिलालेख का नाम है आर्मिक लिपि, ये ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध है लिपि है। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलहन के राजतरंगिणी की एक ऐतिहासिक पुस्तक है गौड बाही, ठीक है, राजतरंगिणी की कलहन की लिखा हुआ, तो बताइए कि लिखी गई थी किसके द्वारा, ठीक है। तो इसके द्वारा जो लिखा गया तो वो है बागपति के द्वारा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है? तो इसका पूर्व संग्रह का नाम है तिरुमुराव, एक ऐसा है जिसको एक सेकेंड सैव संतों के लेखन के लिए संग्रह के लिए पांचवा वेद ही इसको बोला जाता है। फिर निम्नलिखित राज्यों में दो भाइयां हरिहर एंड बुक्का किसकी स्थापना की थी? इसमें सबको पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, इसका होगा विजयनगर की, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है मीडियम से। फिर पूर्वी भारत के प्रमुख रोमन व्यापारिक स्थान कौन सा है? तो प्रमुख रोमन व्यापारिक स्थान वो आर्किमेडू, ये पूर्वी भारत में है, वो आंध्र प्रदेश में है, वो आंध्र प्रदेश के तट पे बसा हुआ, ये तो आर्किमेडू, ठीक है। अब इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है, सारे सारे हिस्ट्री में दे रखा है। तो पहला क्वेश्चन, मध्यकाल की सरकार का एक समग्र संरचना थी, विलप था उसको किसका ये था संरचना समग्र की, तो किसकी था? ये था सी का, फारस अरब तुर्क मंगोलियन भारतीय एंग्लोगा, ठीक है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आदित्य सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? विशिष्ट अद्वैतवाद के संस्थापक थे वो रामानुजाचार्य,
रामानुजाचार्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फिर कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो था दिल्ली एंड अजमेर में बनाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, कुब्बत अल इस्लाम। फिर तो अब इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक भारत के इतिहास के निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम समझाइए, कालक्रम पहले स्वदेशी आंदोलन हुआ था लखनऊ में जाता हो तो पार्लियामेंट हुआ था, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग हुआ था, इसके लिए हम बात करते हैं तो इसका ऑप्शन होगा सी, यानी सबसे पहले डी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, सबको पता है, उसके बाद सी पार्लियामेंटो, फिर उसे लखनऊ समझौता, उसके बाद फिर हुआ था स्वदेशी आंदोलन 1905 में। फिर वो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने की थी, प्रथम भारतीय आयोग की शिक्षा की नीति का जो की थी वो तो लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ठीक है। भू राजस्व के स्थाई बंदोबस्त एवं रायतबाड़ी प्रणाली कब शुरू की गई थी, कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था बंगाल और मद्रास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा चलते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी 74 भारत के प्रिंटिंग प्रेस, कहने का मतलब प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी, तो प्रिंटिंग प्रेस ने सबसे स्टार्ट की थी वो तो पुर्तगालियों ने वर्ष 1550 में, ठीक है। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है, तो बहुत सारे देखेंगे उसमें बिहार, बिहार एकदम से अलग है, नॉर्थ ईस्ट का है ही नहीं तो उसका मतलब ही नहीं है। फिर सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यता प्रवाल द्वीप कहा जाता है, तो उसका सही आंसर होगा सी लक्षद्वीप के निकट प्रवाल, ऐसे प्रवाल आइसलैंड बोला जाता है, बहुत प्रसिद्ध भारत की तरफ से एकमात्र ऐसा आइलैंड जहाँ पर प्रवाल की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। कि निम्नलिखित में किसने ब्रिटिश राज्य में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी, तो इसका आंसर सीधा होगा भारत अधिकार अधिनियम 1935 में, केंद्र से स्टार्ट करके खत्म करके वो केंद्र पर डाल दिया था और प्रांतियों को मुक्त कर दिया था। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है, तो इसमें सबको बहुत ही आसान क्वेश्चन है सी संरचनात्मक मूल, यानी स्ट्रक्चर जो ओरिजिन है इनका एक मूल विशिष्ट कैरेक्टर है, ठीक है। भारत के निम्न से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून में से वर्षा होती है, तो वो है कोरमंडल से, ठीक है, कोरमंडल से, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है, तो इसमें दोनों असत्य हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अपनी पूरी पश्चिम से पूर्व की घूमना नहीं होती है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का कारण पृथ्वी पर रात दिन घटित होता है, एकदम से नहीं, गलत है, तो इसमें एक ऑप्शन सी होगा, दोनों असत्य है। भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसेट एक उदाहरण है, किस चीज़ को सुनना है, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह, मौसम विज्ञान और संबंधित उपग्रह है जो इनसे सबसे है। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, साइंस से क्वेश्चन आया था, फिर साइंस से क्वेश्चन आ रहे हैं शायद, अगर निम्न से किस क्षेत्र का जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है, तो सबको पता है ए कृषि क्षेत्र में। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य के ऋणात्मक जनसंख्या में वृद्धि की गई है, तो वो है नागालैंड, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट के, निम्न से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, यानी एक और दोनों सत्य है, इलेक्ट्राइट भी है जो दोनों सत्य है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। फिर बाद में आपने खुद कर लीजिएगा उसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 85 निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है, अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22.4 22.2 में कौन सा अनुच्छेद नहीं है, तो इसमें होगा सी, यानी कहने का मतलब संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सके इसके अंतर्गत 3 माह से अधिक नहीं देखा, ये सिर्फ गलती, बाकी सारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नागरिक संख्या सर्वाधिक बताई गई है, तो इसमें हो जाएगा बी, यानी उत्तर प्रदेश में नागरिक संख्या सबसे ज़्यादा अधिक बताई गई है, ठीक है। हालांकि धीरे धीरे 2021 में होने वाला है। अब इस एक 87 कहता है वह किसने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद से न्यायिक जोखिमाबाद नहीं होना चाहिए, यह क्वेश्चन न्यायमूर्ति पी एन भगवती जी पील की स्थापना की थी, पील की क्या था। निम्नलिखित में कौन सा बाद यानी कौन सा रिलेटेड द जमींदारी सिस्टम से, कौन सा ये ऑप्शन में जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड कुछ वक्ता भैसन टेस्ट है, कमेश्वर सिंह बना बिहार राज्य से लेकर रमेश, ये सारे ऑप्शंस में अगर हम बात करते हैं तो ये बी ऑप्शन यानी 2 और 4 रमेश थापर बना मद्रास राज और पश्चिम बंगाल राज बना उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो हुआ था केसेस वो उससे रिलेटेड है,
जमींदारी प्रथा के लेकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बाद 89 निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा अंग भारतीयों के प्रति संबंधित है, सीधे अनुच्छेद से बात किया तो अनुच्छेद 333 जो कि अब तक खत्म करने की स्थिति में है। फिर भारत में नियोजना संदर्भ में क्या सत्य है, तो इसका ऑप्शन होगा इसमें कौन देखना पड़ेगा, इसमें काफ़ी कौन दिक्कत है, कन्फ्लिक्शन है इसमें, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए और पॉज करके आप अपना खुद इसका आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 91 क्वेश्चंस, वो क्या संघ लोक सेवा आयोग की राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है, तो वो हो सकता है डी राज्य की मांग और राष्ट्रपति की प्रस्तुति पर ही ये चीज़ हो सकता है लोक सेवा आयोग राज्य में लोक सेवा आयोग PCS के एग्जाम के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 सुशासन के संदर्भ में किंतु कौन सा सत्य नहीं है, तो सुशासन के संदर्भ में सी धार्मिकता एवं भावुकता ये नहीं चलती है सुशासन में, बाकी सब चलती है। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कितना व्यक्ति निर्गत नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाएगा 19 वर्ष आयु सीमा, ये बेकार है, 21 वर्ष की बात होती है, 19 वर्ष नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फॉर सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नाम की पुस्तक किसने लिखी थी, तो ये पुस्तक लिखी थी अतुल कोहली ने, करंट से है क्वेश्चन, बहुत अच्छी पुस्तक है ये। फिर आगे देखते हैं 95 क्वेश्चन, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों का आवंटन किया जाता है, वर्तमान में निम्नलिखित कौन सा संसाधनों का आवंटन का माध्यम नहीं है, तो होगा इसमें शायद कर संवादन भी हो सकता है, सकारात्मक अनुदान भी हो सकता है, इसी कारण आप नहीं स्पष्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न से कौन सा कर जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लागू और वसूला भी जाता है, भी भू राजस्व भारत सरकार के अंदर आता है, ठीक है। तो इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के वित्तीय व्यवस्था के मूल्यांकन के लिए किस वित्तीय आयोग की गठन की प्राप्ति होती है, तो वो है डी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है। अब इस तरह के सारे कुछ क्वेश्चन बच चुके हैं, अब ये 97 क्वेश्चन होते हैं, एक लास्ट शायद मैं देखना चाहूँगा। हाँ 98 क्वेश्चन, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत किस पर कौन सी आर्थिक मॉडल थी, तो वो थी ए PC महालानोविस, ठीक है, इसकी प्रथम है। उसके बाद निम्नलिखित कौन सा क्रम सही से दीपेंद्र विकास के क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर इन विच द मेंशन द मेजर ऑफ द डेवलपमेंट वेयर द इंट्रोड्यूस, तो वो होगा ऑप्शन होगा इसका होगा सी यानी प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इंडेक्स SDI पे फोकस किया जाता है। फिर भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा का तत्पर है क्या, तो तत्पर ये होगा मतलब राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने तत्वों को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के पैसों की जरूरत होती है, तो इसके लिए ही बोला जाता है राजकोषीय घाटा का, राजकोषीय घाटा उसी को कहते हैं जो कि प्रॉपर हमारे इकोनॉमी अफेयर में देखा जाता है, तो एक तरह से एक अच्छा होता है, राजकोषीय घाटा जितना कम हो उतना भारत के किसी भी देश के डेवलपमेंट की बात सही होती है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने 100 क्वेश्चन सारे के सारे मैंने इसमें आपको सही एनालाइजेशन के साथ मैंने सही क्वेश्चन किया, एक दो क्वेश्चन की त्रुटि हो सकती है, बाय द वे सारे क्वेश्चन मैंने किया और मैंने पहले भी डाले, तो क्वेश्चन को देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद इसको आप फिर शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगता है किस प्रकार की दिक्कत हो तुरंत कमेंट में दीजिए कि अच्छा लगेगा तो वो भी कमेंट कीजिए, जो क्वेश्चन की दिक्कत हो उसमें कमेंट कीजिए। इस तरह से दोस्तों आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपना आपको इसमें सपोर्ट कीजिए, धन्यवाद।